और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि टर्म टू का जो एग्जाम होने वाला है 11 क्लास का जेक बोर्ड का, जो जून में प्रस्तावित है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी वीडियो अभी आप लोग के लिए बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बनाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो ट्यूशन नहीं पढ़े हैं या तो किसी कारणवश अभी 12 क्लास पढ़ रहे हैं, 11 क्लास का तैयारी छूट गया है, तो आप मेरा वीडियो देख कर पूरा का पूरा रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों लोग, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इतना मेहनत इतना एफर्ट आप ही लोग के लिए करते, तो आपका भी एक लाइबिलिटीज बनता है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों लोग डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन के बारे में क्या, डिप्रिसिएशन मीन्स ए ग्रेजुअल रिडक्शन। ग्रेजुअल रिडक्शन मतलब क्या होता है कि डिप्रिसिएशन धीरे धीरे रिडक्शन होता है। कोई भी डिप्रिसिएशन क्या होता है, किसी के एसेट्स का वैल्यू में धीरे धीरे रिडक्शन होता है। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, और जो डिप्रिसिएशन किस किस एसेट्स पे लगाया जाता है, तो याद रखिए डिप्रिसिएशन किस एसेट्स पे लगाया जाता है, फिक्स एसेट्स पे। क्यों डिप्रिसिएशन होता है, तो ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण, या तो एक्सीडेंट के कारण, या तो प्रचलन के कारण, या तो फिर टाइम निकल गया उसके कारण, या परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू। फिर से समझिए दोबारा इस टॉपिक को समझिए। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कोई भी फिक्स एसेट्स में धीरे धीरे जो रिडक्शन होता है, क्यों होता है, तो वियर एंड टीयर, या एक्सीडेंट, या तो ऑब्सोलेंस, या इन्फ्लेशन ऑफ टाइम, या तो फिर परमानेंट फॉल इन मार्केट। तो ये सबको जो रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, डिप्रिसिएशन बोला जाता है। और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ठीक है, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 10 है। और इसमें क्या लिखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार, कि डिप्रिसिएशन इज ए मेजर ऑफ द वियरिंग आउट एंड कंजम्पशन योर अदर लॉस वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएट एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज, या इन्फ्लेशन ऑफ टाइम, या तो ऑब्सोलेंस, या थ्रू टेक्नोलॉजी मार्केट चेंजेज। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्रिसिएशन एक प्रकार का हम लोग का समझिए माप है, वैल्यू है, कि आप जब कंजम्पशन लॉस हुआ, या तो कोई एसेट्स यूज के कारण जो उसका वैल्यू कम हुआ, या तो टाइम निकल जाने के कारण वैल्यू कम हुआ, या तो मार्केट में कमी के कारण, तो कितना कमी हुआ, वो डिप्रिसिएशन एक प्रकार का उसका क्या है, माप है। डिप्रिसिएशन इज एलोकेटेड टू चेंज द फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डिप्रिसिएट अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कोई भी एसेट्स में, ठीक है, कोई भी एसेट्स में प्रत्येक साल कुछ ना कुछ कमी होता है, ठीक है, एसेट्स में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्यों होता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन क्यों होता है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ वियर एंड टीयर, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण, या टाइम निकल जाने के कारण, या तो मार्केट वैल्यू में हम लोग का क्या हुआ है, मार्केट में दाम क्या चल रहा है, कम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, ठीक है, देखिए आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रेशन, क्यों डिप्रेशन लगाया जाए, टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए हम लोग मशीन यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो उसका भी एक कॉस्ट लगता है, तो वो भी जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें उसका कॉस्ट को क्या करते हैं, एड करते हैं। एसर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम लोग जब डिप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का करेक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगा। और करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन, इसका मतलब अभी एसेट्स का कितना वैल्यू है उसको जानने के लिए हम लोग डिप्रिसिएशन का प्रयोग करते हैं, तब पता चलता है अभी उसका मार्केट वैल्यू कितना है। उसके बाद क्या लिखता है, टू एवेल द टैक्स रिलीफ, और डिप्रिसिएशन से हम लोग को क्या होता है, टैक्स में भी हम लोग का क्या होता है, रिलीफ होता है, छूट मिलता है। अब सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का डिप्रिसिएशन होता क्यों, कारण क्या है डिप्रिसिएशन होने का, तो चलिए बच्चों लोग वो भी आप लोग को बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले वियर इन टीयर, टूट फूट, पासेस ऑफ टाइम, टाइम निकल जाने के कारण, किसी मान लीजिए कोई गाड़ी है 15 साल का रजिस्ट्रेशन, 15 साल के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। ऑब्सोलेंस मतलब आप प्रचलन, मान लो कुछ ऐसा चीज है जो आपके मार्केट में अब उसका प्रचलन नहीं है, जो अब उस सामान के बदले नया टेक्नोलॉजी उसका जगह ले लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस मतलब अप्रचलन हो जाना, ठीक है। डिप्लेशन रिक्तिकरण मतलब एक एसेट्स के बदले दूसरा एसेट्स उसके जगह में आ गया, या तो परमानेंट फॉल इन मार्केट, या तो ऊपर से ही मार्केट में क्या चल रहा है, धीरे धीरे गिरावट चल रहा है, या तो कोई एसेट्स हमने लिया वो एक्सीडेंट हो गया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हो गया डिप्रिसिएशन के कारण। चलिए बच्चों लोग हम लोग आगे चलते हैं कि डिप्रिसिएशन कितने मेथड से लगाया जाता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन कितने मेथड से लगाया जाता है। वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आप लोग को आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए डिप्रिसिएशन का कितना मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट यही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है और स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग का राइट डाउन वैल्यू मेथड, और यही तो हम लोग को दो मेथड ज्यादा हमेशा पढ़ने का मिलता है, ठीक है। तो इसको डब्ल्यू डी वैल्यू भी बोला जाता है, डब्ल्यू डी वी वैल्यू भी बोला जाता है इसको, ठीक है। डब्ल्यू डी वी डी अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। एन्यूटी वैल्यू, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, रिवेल्युएशन मेथड और मशीन आवर रेट मेथड। लेकिन हम लोग का 11 क्लास में ज्यादा हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड ही हम लोग का क्या होता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। तब मेथड आप लोग को लिखने आएगा तो इतना लिख दीजिएगा, लेकिन मेन मुख्य दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और राइट डाउन वैल्यू मेथड। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। बच्चों लोग थोड़ा थ्योरी लंबा है क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए हम सोच रहे हैं एक ही क्लास में पूरा थ्योरी को डिप्रिसिएशन का बता दिया जाए, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो देखिए बच्चों लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जैसे नाम से ही लग रहा है स्ट्रेट लाइन, सीधा चलेगा, फिक्स चलेगा। तो स्ट्रेट लाइन में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज चार्ज डिप्रिसिएशन एवरी, मतलब कॉस्ट पे लगता है। मान लिया हम 1 लाख का खरीदे कोई एसेट्स, 10% उस पर लगता है, तो ये 10,000 हुआ, तो प्रत्येक साल 10,000 ही डिप्रिसिएशन लगेगा। सिंस द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड इन फिक्स इट, मतलब इसमें फिक्स रहता है डिप्रिसिएशन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड स्ट्रेट वे, मतलब सीधा चलता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसका वैल्यू, इसका प्रॉफिट हम लोग का क्या है, एडवांटेज क्या है इस मेथड का, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड लॉजिकल एंड स्टेबल, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो, इसमें कोई भी एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अंडर दिस मेथड, मेथड दो बार है, एक बार होगा, अंडर दिस मेथड द बर्डन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर नेट प्रॉफिट इक्वल, प्रत्येक साल हम लोग का नेट प्रॉफिट पर जो बोझ पड़ता है हम लोग का डिप्रिसिएशन का, वो क्या पड़ता है, इक्वल पड़ता है। अब चलिए इसका डिसएडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, दिस मेथड इज इग्नोर द कैपिटल कॉस्ट, इस कैपिटल कॉस्ट को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बिकम डिफिकल्ट व्हेन द देयर आर फ्रीक्वेंट एडिशन एंड सेल ऑफ, जब हम लोग कुछ एसेट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, वो एसेट्स को परचेज करते हैं या तो सेल करते हैं, तो उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन निकालने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का है वो डिमिनिशिंग मेथड है। डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो रिड्यूसिंग मेथड, याद रखिएगा, इसी को रिड्यूसिंग मेथड भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट राइट डाउन वैल्यू, याद रखिएगा, इसमें राइट डाउन चलेगा, मतलब घटते क्रम में निकलेगा डिप्रिसिएशन, क्या करेगा, घटते क्रम में, ठीक है। प्रत्येक साल जो एसेट्स बचेगा, जैसे मान लीजिए 10,000 का एसेट्स है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, 10,000 में मान ली पहला साल लगा कितना, 1,000, अब सेकेंड ईयर हम लोग का 9,000 पर लगेगा, फिर इसका 10% कितना हुआ, 900, अब हम लोग का कितना पर लगेगा, 81 पर, ठीक है। इस तरह हम लोग का घटते क्रम में लगेगा, क्या लगेगा, घटते क्रम में हम लोग का डिप्रिसिएशन को लगेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री क्या होता है। तो देखिए ज्यादा इसमें एंट्री नहीं होता, जो आप लोग का दिख रहा है, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, डिप्रिसिएशन होगा डिप्रिसिएशन टू एसेट्स, और लास्ट में डिप्रिसिएशन को कहाँ भेज दिया जाता है, पीएल में भेज दिया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों लोग, अगर मान लीजिए किसी वर्ष एसेट्स को, जिस वर्ष एसेट्स को बेचेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, या लॉस हुआ या प्रॉफिट, दो ही चीज में एक ही चीज होगा, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, लॉस होगा, जैसे एंट्री दिख रहा है यहाँ लॉस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉस अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और अगर लॉस होगा, ठीक है, लॉस तो लिखे आई हुए, अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, डिप्रिसिएशन का अगर थ्योरी आएगा तो आप लोग इससे आराम से लिख सकते हैं। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा बच्चों लोग, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं करने भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।